वेलकम टू योर स्मार्ट न्यूज। आज मैं लोकल ट्रेन को लेकर बहुत बड़ी लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है। बीएमसी कमिश्नर का मानना है कि पूरी तरीके से मुंबई में अब सुधार देखने को मिल रहा है। मुंबई में कोरोना वायरस के आंकड़े देखा जाए तो अब 1000 से भी कम देखने को मिल रहा है 24 घंटे के अंदर। और इस प्रकार देखा जाए तो हर एक इलाकों में भी काफ़ी सुधार होने की वजह से लोकल ट्रेन को लेकर आज बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। लोकल ट्रेन को लेकर आम जनता के बारे में रेलवे अधिकारी से लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है। यहाँ पे रेलवे बोर्ड का मानना है कि लोकल ट्रेन की सेवाएं सभी चालू की गई है, इसलिए आम जनता को थोड़ी थोड़ी राहत देना सही होगा। सबसे पहले आखिर किन लोगों को राहत मिलेगी? जितनी भी दुकानें खुली हैं, दुकानों में काम करने वाले सभी मजदूरों को सबसे पहले राहत दिया जाएगा। गवर्नमेंट की एम्प्लॉयमेंट को नेसेसरी में जितने लोग काम कर रहे हैं, मेडिकल फील्ड में जितने लोग काम कर रहे हैं, उन सभी को अनुमति पहले से मिल चुकी है लोकल में सफ़र करने के लिए। अब विचार किया जा रहा है, दुकानें तो खुल चुकी है मगर दुकानों में जितने भी मजदूर काम कर रहे हैं वो दुकानों तक आए तो आए कैसे? कुछ लोग मियाँ लोड भाईंदर इतने दूर तक रहने वाले लोग के लिए कोई भी ट्रांसपोर्टेशन सर्विस नहीं खुला है। देखा जाए तो रिक्शे और बसों में इतना ज़्यादा भीड़ देखने को मिल रहा है, इसीलिए सभी मजदूरों का मानना है कि कम से कम दुकानों में काम करने वाले सभी मजदूरों को राहत दे लोकल ट्रेन। तो इस पर विचार किए जाने हैं। रेलवे अधिकारी की तरफ से लेटेस्ट अपडेट है कि देखा जाए तो 10 जून तक सबसे पहले दुकानों में सभी काम करने वाले मजदूरों को राहत दिया जाएगा। कल के दिन एक बार फिर से फैसला लिया जाएगा लोकल ट्रेन को लेकर और आम जनता को राहत दिया जाएगा। उसके बाद 15 जून के बाद वापस से कुछ आम जनता को राहत दिया जाएगा। एक साथ सभी को राहत देना अभी इस जून के महीने में संभव नहीं है, मगर कोशिश की जाएगी कम से कम जून के लास्ट वीक तक सभी आम जनता को राहत मिल जाए। इसलिए सबसे पहला पड़ाव यहाँ पे सभी दुकानों में काम करने वाले मजदूरों को राहत दिया जाएगा। समय उनके लिए दोपहर के 12 से शाम के 4 तक रहेगा और उसके बाद फिर से रात के 8 बजे से लेके जब तक लास्ट ट्रेन चलेगी तब तक उनको अनुमति दिया जाएगा। तो बहुत जल्द मजदूरों को राहत मिलने वाली है लोकल।